नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाने वाला हूं जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इसकी जो सीसी है, टॉर्क सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो जो हमारे भाई मेरे चैनल पर नए आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। भाइयों, बात करते हैं DI 35 सिकंदर के बारे में। आप लोग जानते ही हैं 39 हॉर्स पावर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है। और इस ट्रैक्टर का जो बोनट है, सिंगल पीस बोनट के साथ में ट्रैक्टर आता है। इसमें आपको लॉक भी मिलेगा। ये सोनालिका का लोगो हो गया, देख सकते हैं आप लोग। और इसका जो एयर क्लीनर है, इसमें आपको 4-स्टेज ऑयल बाथ वाला एयर क्लीनर मिलता है। बात करें इसकी हाईलाइट के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको हाईलक्स की हाईलाइट मिलती है। और लगभग 60 kg+ का बम्पर होने वाला है इस ट्रैक्टर का, ठीक है। और इसका जो फ्रंट एक्सल है, ये नॉन एडजस्टेबल है, लेकिन काफ़ी हैवी है। इस पर आप लोडर भी फिट कर सकते हैं। और इसके जो आगे टायर हैं, आपको 6-16 के मिलेंगे। आप चाहें तो इस ट्रैक्टर को पावर स्टेयरिंग में या फिर सादा स्टेयरिंग दोनों में ले सकते हैं। फिलहाल ये पावर स्टेयरिंग वाला वेरिएंट है हमारे सामने। और इसके जो ग्राफिक्स हैं, ये देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, बिल्कुल 750 की तरह ये देखने में, ठीक है। 39 HP का राजा कह सकते हैं इस ट्रैक्टर को, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड है इस ट्रैक्टर की। और बात करें इसके इंजन के बारे में, तो ये 3 सिलेंडर ट्रैक्टर है, 2780 cc का इसका इंजन आता है। और माइक्रो बॉस का इसमें आपको इनलाइन पंप मिलेगा, ठीक है भाइयों। ये इसका वाटर सेपरेटर हो गया। और इसका जो फ्यूल टैंक है, लगभग 45 लीटर+ का इसका फ्यूल टैंक होने वाला है भाइयों। और बात करें इसके क्लच के बारे में, तो ये डुअल क्लच सिंगल क्लच दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो इसे सिंगल क्लच में भी ले सकते हैं, जैसी आपको जो होता है वैसे आप ले सकते हैं। और इसका जो व्हील बेस है, 1900 mm का इसका व्हील बेस दिया हुआ है। काफ़ी अच्छी ट्रैक्टर की लंबाई चौड़ाई है, वजन भी काफ़ी है। वजन मैं आपको कमेंट बॉक्स में बताऊँगा। और इसके जो डिफर हैं, काफ़ी अच्छे डिफर हैं। इसमें आपको हैलोजन डिफर मिलते हैं, DC, ये लोगो दिया हुआ है DC का। और ये फेंडर है। ये ट्रैक्टर की बात करें गियरबॉक्स के बारे में, तो इसमें आपको 8+2 का सेंटर और साइड गियर दोनों मिल जाएंगे आपको। ये सिकंदर वाला मॉडल था, आपको साइड गियर भी मिलेगा, सेंटर गियर भी वैसे आपको मिल जाएगा। और बात करें इसकी PTU के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 34.87 HP की PTU पावर मिलती है। इसकी SFC भी आप देख सकते हैं वीडियो रोक के। और बात करें इसके प्लेटफॉर्म के बारे में, तो बिल्कुल खुला प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, चढ़ने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था दी गई है, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे लिखा हुआ है 39 HP कैटेगरी। इसका जो टॉर्क है, हाई टॉर्क, 167 Nm का टॉर्क है, अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा टॉर्क होने वाला है। इंजन के RPM 1800 RPM दिए हुए हैं। अब बात करेंगे इसके मीटर के बारे में, तो आपको मैं इसका डैशबोर्ड भी दिखाता हूँ। इसका जो स्टेयरिंग है, काफ़ी अच्छा स्टेयरिंग होने वाला है, छोटा स्टेयरिंग है, जो कि कटिंग करने के लिए काफ़ी बेहतरीन होता है। अब बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको सभी मीटर मिलते हैं, आप देख पा रहे होंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपको सभी मीटर मिलेंगे, टेम्परेचर मीटर भी मिलेगा, RPM मीटर भी मिलेगा, बैटरी मीटर भी मिलेगा, ऑयल मीटर भी मिलेगा, सभी मीटर इसमें आपको मिलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मुझे इसका बदलाव लगा सोनालिका का। और जैसे मैंने आपको बताया था, इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है, 1800 kg की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है भाइयों। और टेल में डुबो है, इसमें आपको ब्रेक मिलते हैं। आप चाहें तो ऑप्शन में आप डिस्क ब्रेक भी ले सकते हैं। वैसे तो अब किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल मस्ट ब्रेक ले रहे हैं। और ये इसके स्विच वगैरह हो गए लाइटिंग के। इस ट्रैक्टर में आपको मोबाइल चार्जर नहीं मिलेगा शायद, ये इसका साइड मिरर हो गया। बाकी किसान भाइयों, अगर आप DI 35 सिकंदर चला रहे हैं, तो उसके बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है। इस ट्रैक्टर में आपको मल्टीपर्पज़ PTU भी मिल जाएगी, ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सीट भी मैंने आपको बताया था, एडजस्टेबल सीट है। ये इसका फाइबर का टूल बॉक्स हो गया। और बात करें इसके टायर के बारे में, तो इसके जो बैक टायर आपको मिलते हैं, 13-6-28 के मिलेंगे, ठीक है भाइयों। ये इसका पिछला हिस्सा हो गया, पिछला हिस्सा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ ट्रैक्टर आता है, काफ़ी हैवी ट्रैक्टर है। रिवर्स PTU मैंने आपको कहा था, इसमें आपको रिवर्स PTU मिल जाएगी, कंपनी ने स्टिकर लगा के दिया है, ठीक है। ये फेंडर हो गया, मडगार्ड की वाइब्रेशन कम करने के लिए। ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ पे आप अपने ट्रैक्टर में बोतल वगैरह रख सकते हैं। और भाइयों, ये देख सकते हैं आप लोग, ये लाइटिंग के लिए हो गया। ये इसका कंपनी फ्रेंड हिस्स दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा हिस्स होता है। और ये ट्रैक्टर काफ़ी अच्छा ट्रैक्टर, बेहतरीन ट्रैक्टर होने वाला है अपने सेगमेंट में। भारत में इसकी सबसे ज़्यादा मार्केट होने वाली है, ओवरऑल इंडिया देखें तो, ठीक है जी। बाकी किसान भाइयों, मैंने आपको इस ट्रैक्टर के बारे में CC, टॉर्क, RPM, PTU पावर, लिफ्ट कैपेसिटी मैंने आपको बताई, और व्हील बेस भी मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कीमत के बारे में, तो भाई उसकी कीमत लगभग यहाँ पे 6.5 लाख के आसपास होने वाली है उत्तराखंड में। कीमत के लिए वैसे आप अपने निकटतम शोरूम पर संपर्क करें। तो किसान भाइयों, आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।